अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? ठीक ठाक होंगे यकीनन, उम्मीद है। आज जो हम आए हैं जमजमा, जो बर्गर, चिकन और हर चीज़ इसके पास, पिज़्ज़ा, निहारी, हर चीज़ के हवाले से गुलशन हदीद में बहुत बड़ा सा आउट उन्होंने बड़ा रेस्टोरेंट बनाया हुआ है। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना जमजमा पे एक व्लॉग बना लें। तो अभी हम आए हैं जमजमा पे। अच्छा, ये इन्होंने निहारी शुरू की है गुलशन हदीद में, जमजमा वालों ने। निहारी भी ज़बरदस्त है, हम लोगों ने टेस्ट तो किए निहारी। दो सिंगल प्लेट में अच्छा, ये इनके पास काबली पुलाव भी है। अच्छा, जमजमा वालों ने काबली पुलाव भी स्टार्ट किया हुआ है, निहारी भी। अच्छा, पहले ये चीज़ें इनके पास नहीं थी और पानी पूरी भी चल रहे हैं। अच्छा, इन्होंने ये प्रोग्राम तो अच्छा किया है और अच्छा किया। सौ साल चला। ये भाई हमारे नूरमंद भाई हैं जो जमजमा पे काम करते हैं और ये खुद ही बनाते हैं अफगानी पुलाव। नूरमंद भाई, ऐसी बात है जी, ये खुद ही बनाते हो? अच्छा, इसकी क्या प्राइस है? इसकी ऐसे जो हाफ पुलाव है सर वो 250 का है। अच्छा, और जो फुल है सर वो 400 का है सर। और क्वांटिटी भी अच्छी होती है माशाल्लाह, इसमें जो है ना मेवा जात भी होती है और ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं होता ये। सही। और माशाल्लाह कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक यहाँ काफ़ी अच्छी है। ये जमजमा की जो है किचन है, हम अंदर किचन में आए हैं। जैसे पिछले व्लॉग में हमने आपको काफ़ी सारे होटल के अंदर किचन दिखाई है, आज हम जमजमा पे आए हैं। जमजमा की हमने सोचा कि वो भी किचन देखे। ये हमारा डिस्पेज एरिया है सर, यहाँ से जितने भी ऑर्डर है यहाँ से जो है ना डाइनिंग के मतलब कस्टमर के टेकअवे के सारे ऑर्डर यहाँ से। सही। यहाँ से तैयार होकर माशाल्लाह यहाँ पूरे जमजमा के 5 फ्लोर में आई और पार्सल के डिलीवरी के जितने भी ऑर्डर हैं यहाँ से जाते हैं हमारे पास। अच्छा, डाइनिंग भी है आप लोगों के पास? जी, डाइनिंग भी है सर। डाइनिंग भी है, टेकअवे भी है। जी, टेकअवे भी है, डाइनिंग भी है सर। 5 फ्लोर पर मुश्तमिल है सर ये, और माशाल्लाह सर।
ये इनका भाई। आपको इनका पिज़्ज़ा दिखाते हैं, ये इनका पिज़्ज़ा जो है। अच्छा, इन्होंने पिज़्ज़ा तो मेरे ख्याल में तकरीबन अभी साल डेढ़ हुआ है स्टार्ट किया हुआ है। इन्होंने बिरयानी और निहारी पिज़्ज़ा अफगानी पुलाव ये इन्होंने अभी स्टार्ट किया, तकरीबन साल डेढ़ हुआ है इनको। तो पहले इनके जो बर्गर वगैरह चिकन। अच्छा, ये इनका जो है डाइनिंग एरिया है, डाइनिंग एरिया देखिए, ज़बरदस्त बनाया है यार, मुझे तो बड़ा पसंद आया है। और देखिए, एक छोटे से इलाके में इतना बड़ा ज़बरदस्त रेस्टोरेंट, इतना साफ़ सुथरा मैंने कहीं और नहीं देखा है। हाँ, अंदर आप जैसे कराची में, अंदर सिटी में जाएंगे, ऐसे बड़े सारे बहुत सारे रेस्टोरेंट आपको नज़र आएंगे, पर यहाँ पर हदीद में इतना खूबसूरत और साफ़ सुथरा रेस्टोरेंट मैंने पहली मरतबा ही देखा है। अच्छा, ये इनका पिज़्ज़ा है जो। अच्छा ये आप मुझे बता दीजिए, पिज़्ज़ा की क्या प्राइस है इसकी? पिज़्ज़ा सर इसमें यह है कि मुख्तलिफ फ्लावर है, जिसमें फजीता भी है, टिक्का भी है, मलाई बोटी भी है सर। और इसमें यह है कि पिज़्ज़ा जो लार्ज है हमारे पास, वो तकरीबन है तकरीबन 1150 रुपये का या 1200 रुपये का। अच्छा, जिंगर भी हमारा सबसे माशाल्लाह अच्छा है यहाँ पर, और फेमस है बहुत। अच्छा, जिंगर आपका कितने का है? 350 का सर जिंगर है यहाँ पर, 350 का जिंगर माशाल्लाह। ठीक है, और माशाल्लाह टेस्ट क्वालिटी जो है वो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। इनकी जो है जमजमा की फेमस और पुरानी चीज़ जो, जिससे जमजमा का नाम उठा था, जैसे आपने कभी सुना होगा कि रेस्टोरेंट के मुख्तलिफ चीज़ें बनाते हैं, उसी चीज़ की वजह से उसका नाम उठ जाता है। जमजमा जो था, उन्होंने जिंगर बर्गर स्टार्ट किया स्टार्टिंग में, तो जिंगर बर्गर की वजह से इनका नाम आ गया। अब जमजमा माशाल्लाह तो जमजमा ही है अभी। ये इनका मशहूर जिंगर बर्गर है। बड़ा टेस्टी है, ये नूरमन भाई के हाथ की टेस्ट है भाई। भाई ये नूर मोहम्मद भाई हैं जो अफगानी पुलाव बनाते हैं। आज उन्होंने मुझे कहा कि फैज़ भाई आप जो है हमारे पास अफगानी पुलाव टेस्ट करें, तो आज हम इनका जो अफगानी पुलाव टेस्ट कर रहे हैं ये नूर मोहम्मद भाई।